Cockroach. काकरोचेस क्या है ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल है जिनको क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर रखा गया है कलर की बात करें तो इसमें ब्राइट येलो रेड ग्रीन कलर कॉकरोचेस को ट्रॉपिकल रीजन में रिपोर्ट किया गया है वहाँ पर देखे गए हैं साइज़ की बात करें तो वन बाई फोर इंचज़ टू थ्री इंचज़ इनका साइज़ भरी करता है जहाँ सेंटीमीटर में बात करें तो ज़ीरो पॉइंट सिक्स टू सेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर साइज होता है इनके पास लॉन्ग एंटीना होता है लेग होते हैं लेग्स होते हैं और फ्लैट एक्सटेंशन होता है अपर बॉडी वाल का जो हेड को कंसील कर देता है हेड को छिपा देता है ठीक है ये नॉक्टर्नल अमनी होते हैं जो डैम प्लेसेस में रहते हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड ये ह्यूमन होम्स के रेजिडेंट बन चुके हैं और इस वजह से सीरियस पेस्ट है और काफ़ी सेवरल डिसीजिज़ के क्या है वैक्टर्स भी हैं नाउ कम्स टू द मॉर्फोलॉजी एडल्ट कॉमन स्पीशीज़ कॉकरोच की क्या है पैरी प्लेटा अमेरिकाना जो लगभग 34 फोर टू फिफ्टी थ्री एम एम लॉन्ग होती है जिसके अंदर अगर हम बात करें मेल एबडोमन की अगर हम बात करें मेल एबडोमन की तो इसके अंदर क्या होता है विंग्स एक्सटेंड कर जाते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ द एबडोमन क्या होता है जो पर होते हैं वो एबडोमन से आगे तक निकल जाते हैं तो जिससे क्या होगा जो टिप है की वो नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो ढक चुकी है तो ऐसा किस दे में देखने को मिलता है मेल एपडोमन के मेल करोच में देखने को मिलता है तो एज अ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के तौर पे भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा फीमेल काकरोच है और कौन सा मेल काकरोच है ठीक है बॉडी काक्रोच की सेगमेंटेड होती है और डिविजिबल होती है तीन डिस्टिंग रीजन में जिसको कहते हैं जिस, जिसके अंदर होता है हेड थोरैक्स एंड एपडोम एंटायर बॉडी कवर्ड हुई रहती है हार्ड काइटीनियस एक्जैलेटिन से जो कि ब्राउन होती है कलर में और हर एक सेगमेंट के अंदर एक्जोस्केलेटन के अंदर हार्ड एंड प्लेट्स होती है जिसको कहते हैं स्केलेराइट्स बात करें अगर हम स्केलेराइट्स की तो ये स्केलेराइट एक्जस्केलेटन का फॉर्मेशन कर रही है इन केस ऑफ जैसे हमारे अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं दैट दैट फॉर्म्स एक्जो दैट आर पार्ट ऑफ दी तो हम बात कर रहे हैं स्केलेराइट्स के बारे में तो स्केलेराइट्स क्या है एग्जोस्केलेटन फॉर्म कर रही है इन केस ऑफ काकरोच जैसे हमारे हमारे ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं नेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर दैट आर द पार्ट ऑफ द एग्जोस्केलेटन एंड अगर हम बात करें बोन्स की ह्यूमन के अंदर तो बोन्स क्या है एक्चुअल में हमारा एक्ज uh, स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन किसका पार्ट है एंडोस्केलेटन का पार्ट है पार्ट है मतलब हमारी अंदर का अंदर की बॉडी का पार्ट है ठीक है तो यहाँ पर जो एग्जोस्केलेटन मतलब एक आउटर वाली बॉडी के जो आउट बाउंड्रीज पर प्रेजेंट है एक तरीके से तो ये कॉकरोच के अंदर स्केलेराइट्स प्रेजेंट होती है दैट आर फॉर्मिंग एग्जोस्केलेटन टर्गाइट्स डोरसली एंड स्टेनाइड वेंट्रली दैट आर जॉइन ईच और बाय ईच अदर बाय थिन एंड फ्लैक्सीबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और ये स्केलेराइट्स आपस में जुड़े रहती है मतलब टर्गाइट्स और इस्टेनाइड वेंट्रली और टर्गाइट डोरसली ये आपस में जुड़ी रहती है एक थिन फ्लैक्सीबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जिसको कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन ठीक है बात करते हैं हम इसके डायग्राम की एक्सटर्नल फीचर की कॉकरोच की तो आप देख सकते हैं सबसे पहले फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स दैट आर्ज अराइजिंग फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकिट्स इन फ्रंट ऑफ द आई देन कम्स टू द कंपाउंड आई दैट आर प्रेजेंट ऑन द हेड एंड देन कम्स टू द प्रोनोटम 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 इज द पार्ट ऑफ द थॉरैक्स आगे हम पढ़ेंगे कि जो थॉरैक्स होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड हुआ रहता है प्रोनोटम मीजो थोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स ठीक है प्रोटो प्रोथोरैक्स मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स और जो फॉर जो टैगमिना होता है जो फोर विंग होता है वो कहाँ से एराइज़ होता है मीज़ोथोरैक्स यहाँ डायग्राम में पता नहीं क्यों प्रोनोटम से दिखा रखा है बल्कि जो ये टैगमिना है ये एक्चुअली जो फोर विंग होता है वो कहाँ से एराइज़ होता है मीज़ोथोरैक्स से सबसे पहले लेकिन अगर हम बात करें लेग्स की तो लेग्स क्या होते हैं तीनों ही थोरैक्स के पार्ट से एराइज़ होते हैं मतलब जैसे सबसे पहले हम देखेंगे प्रोथोरेक्सिक प्रो लेग से तो ये प्रोथोरैक्स एराइज होगा दैन मेटाथो लेग एंड देन मेटाथोरैसिक मेट, मेटा, मेटा लेग तो अगर हम बात करें लेग्स की तो हर एक थोरैसिक सेगमेंट से एराइज़ हो रहा है लेकिन जो विंग्स है काकरोचेस के अंदर तो वो सिर्फ दो थोरैसिक पार्ट से एराइज़ होते हैं एक मीजोथोरैक्स से एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रॉम द मेटाथोरैक्स एक ये हाइंड विंग जो मेटाथोरैक्स सेराइज हो रहा है एंड द फोर विंग डायग्राम में प्रोनोटम से दिखा रहेगा लेकिन एक्चुअली ये जब आप थियोरी में पढ़ेंगे तो ये टैगमिना या फिर फोर विंग कहाँ से राइज होता है मीजोथोरैक्स से आई होप ये समझ में आया होगा अब हम बात करते हैं एबडोमन की तो एबडोम काक्रोच उसके अंदर टेन सेगमेंटेड होता है एनाल सरकाई दोनों मेल और फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एनाल सरकाई लेकिन एनाल स्टाइल डायग्राम में नहीं शो कर रहे है, तो ये फीमेल कॉकरोच है हाँ फीमेल कॉकरोच का एन इन, में दिखा रखा है क्योंकि यहाँ पे जो ये विंग है इसने भी बियॉन्ड द टिप ऑफ दबडोम या एक्सटेंड नहीं कर रहा है दैट मीन्स ये फीमेल कॉकरोच दिखा रहा है ये डायग्राम जो है फीमेल कॉकरोच का है बात करते हैं हम हेड की तो हेड क्या होता है ट्राइंगर होता है शेप में और लॉन्गिट्यूटल बॉडी एक्सिस के एंटीरियरली राइट एंगल पर प्रेजेंट होता है ये छह सेगमेंट से मिलकर बना होता है कौन हेड, हेड इज़ फ्यूज हेड इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द सिक्स सेगमेंट एंड शो ग्रेस ग्रेट मोबिलिटी। और इसकी क्या होती है ये बहुत ज़्यादा uh, सभी दिशाओं में मोबिलिटी शो करता है क्योंकि इसके पास क्या होती है फ्लेक्सिबल नेक प्रेजेंट होती है हेड कैप्सूल की बात करें तो इसके अंदर कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है पेयर ऑफ थ्रेड एंटीना अराइज होता है फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट जो इन फ्रंट ऑफ आइज प्रेजेंट है एंटीना के अंदर क्या होता है सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो इन्वामेंट uh, को मोनिटर करते हैं एंटीरियर एंड हेड का हेड के एंटीरियर एंड में क्या प्रेजेंट होते हैं अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जो बाइटिंग और चुइंग टाइप के माउथ पार्ट को माउथ पार्ट को फॉर्म कर रहा है ठीक है बात कर रहे हैं हम हेड की तो हेड के अंदर क्या होते हैं हेड के अंदर होते हैं बाइटिंग और चुइंग टाइप के माउथ पार्ट्स ठीक है माउथ पार्ट्स बाइटिंग और चुइंग टाइप के किसके पास किसके अंदर है हेड के अंदर है माउथ पार्ट के अंदर अगर हम बात करें क्या क्या होते हैं तो उसके अंदर होता है लेब्रम अपर लिप पेयर ऑफ मैंडिबल पेयर ऑफ मेगजीला एंड लेबियम देखो पेयर में कौन कौन प्रेजेंट है मैंडिबल और मेगजीला और लेब्रम और लेबियम क्या है ये अपर लिप एंड लोअर लिप है लेब्रम मतलब इसके अंदर आर आ, आ रहा है इस तरीके से याद कर ली कि अपर अपर में भी लेब्रम अपर लिप एंड लेबियम लोअर लिप Uh, एक मीडियम फ्लेक्सिबल लोब होती है जो टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है टंग की तरह काम करता है हाइपो जिसको कहते हैं और ये कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है माउथ पार्ट इस कैविटी को एनक्लोज किए रहती है तो इस कैविटी के अंदर जो माउथ पार्ट कॉकरोचेस के अंदर प्रेजेंट है हेड के अंदर तो इस हेड के अंदर जो माउथ पार्ट प्रेजेंट है वो एक कैविटी को इनक्लोज करते हैं और इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है टंग लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हाइपोफेरिंग्स थोरैक्स के अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया तीन पार्ट होते हैं प्रोथोरैक्स मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स हेड थोरैक्स से कनेक्ट हुआ रहता है एक शॉर्ट एक्सटेंशन से प्रोथोरैक्स प्रोथोरैक्स जिसको कहते हैं नेक हर एक थोरैसिक सेगमेंट के अंदर क्या होता है वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होते हैं ए पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइज होता है फ्रॉम द मीजोथोरैक्स देखिए यहाँ पर दिखाया है कि फर्स्ट पेयर ऑफ द विंग्स अराइज फ्रॉम

जिसको टैगमिना भी कहते हैं वो ओपेक डार्क होता है और लेदरी होता है ठीक है ये कैसा होता है डार्क होता है और लेदरी होता है टैगमिना ये क्या करता है हाइंड विंग को कवर करके रखता है जब कॉकरोच रेस्ट में होता है रेस्टिंग कंडीशन में ये कवर करता है हाइंड विंग को हाइंड विंग ट्रांसपेरेंट होता है मेम्ब्रेनस होता है और ये फ्लाइट में इस्तेमाल होता है कौन हाइंड विंग का इस्तेमाल होता है फ्लाइट में एपडोमन की बात करते हैं हम तो दोनों ही मेल uh, और फीमेल के अंदर एब्डोमेन दस सेगमेंट से मिल बना होता है फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो सेवन्थ स्टर्नम बोर्ड शेप होता है और एट नाइन्थ स्टर्ना के साथ बात इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि सबके सब क्या है स्टर्नम है सेवंथ स्टर्नम एथ स्टर्नम एंड नाइन्थ स्टर्नम टुगेदर दे फॉर्म रूड और जेनाइटल पाउच ये क्या बनाते हैं जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन करते हैं इन केस ऑफ फीमेल जिसके एंटीरियर पार्ट के अंदर क्या होता है फीमेल गुनोपोर प्रेजेंट होता है इस पोर प्रेजेंट होता है एंड कोलाइटरल ग्लैंड तो ये याद रखने वाली चीज़ ये है इसमें कि इस पोर कोलाइट्र ट्रल ग्रैंड किसका पार्ट है मेल का और फीमेल का मतलब स्पर्म है तो मे बी हम कन्फ्यूज हो जाए कि मे बी ये किसका पार्ट हो मेल का पार्ट हो तो थोड़ा ध्यान रखें कि जो फीमेल गोनोपोर स्पेशली पोर और ग्लैंड ये किसका पार्ट है फीमेल फीमेल ब्रूड आ, ब्रूड और जेनाइटल पाउच का पार्ट है इनकेस ऑफ तो फीमेल काक्रोच इन मेल्स अगर हम बात करें मेल की तो जेनाइटल पाउच या फिर चैम्बर लाइक करता है एपडोम के हाइंड एंड में और ये बाउंडेड हुआ रहता है डोर सेल नाइन्थ और टर्गस से नाइन एंड टेंट टा से और वेंट्रली बाय द नाइंथ स्टर्नम ठीक है यहाँ पे नाइन्थ और टेंथ टारगा है और वेंट्रली बाय द नाइन्थ स्टैंडम इसके अंदर क्या होता है डोरसल एनएस प्रेजेंट होता है किसके अंदर बात कर रहे हैं हम मेल जेनाइटल पाउच के अंदर तो मेल जेनाइटल पाउच के अंदर क्या होता है डोरसल एन एस प्रेजेंट होता है वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है और गोनेपो प्रेजेंट होता है ठीक है यहाँ पर गोनेपोफाइसिस पूछ सकता है कि किसका पार्ट है तो ये किसका पार्ट है मेल जेनाइटल पाउच का पार्ट है मेल जेनाइटल पोर गोनेपो एंड डोरसा लाइनस के अंदर प्रेजेंट होता है मेल जेनाटल या फिर जेनाटल पाउच या फिर चैम्बर मेल के अंदर क्या होते, है? होते हैं शॉर्ट थ्रेड लाइक एनाल स्टाइल प्रेजेंट होती है जो फीमेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है वो अपसेंट होती है तो मेल के अंदर क्या होते हैं एनाल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं जो अपसेंट होते हैं इन केस ऑफ फीमेल तो इसके इसको देख कर भी पता लगाया जा सकता है कि मेल काकरोच कौन सा है फीमेल काकरोच कौन सा है तो स्टाइल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल्स के अंदर दोनों ही सेक्सेस में टेंथ सेगमेंट के अंदर क्या होते हैं जॉइंटस्ट फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एनाल सरकाई एनाल सरकाई जो ये है ये तो एनाल सरकाई दोनों में प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ मेल है एज वेल एज फीमेल अब बात करते हैं हम हेड रीजन की काकरोच की तो पार्ट जैसे ये ओसेलस है कंपाउंड आई कंपाउंड आई प्रेजेंट है इन ऑन दी हेड ऑफ द काक्रोच मैंडिबल मेगजीला लेबियम लेब्रम अपर लिप लेबियम लोअर लिप और ये मैंडिबल ये चूंग और बाइटिंग पार्ट फॉर्म कर रहे हैं माउथ पार्ट फॉर्म कर रहे हैं ऑन दी हेड इन द हेड माउथ पार्ट की बात करें तो इसके अंदर जैसे लेब्रम दिखाया है अपर अपर लिप और लेबियम लोअर लिप एंड देन कम्स टू दी मैंडिबल जिसके अंदर ग्राइंडिंग रीजन प्रेजेंट है इन रीजन इन रीजन काटने का काम ग्राइंडिंग करने का काम मैंडिबल का है ठीक है फिर ये मेगजीला है और इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होती है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अनार्टमी